मांस का मूल्य क्या है। एक बार एक राजा अपने बाग में घूमने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि एक बहेलिए ने एक चिड़िया को पकड़ लिया है। उस चिड़िया का एक छोटा सा बच्चा है। वे दोनों मां और बेटा दोनों छटपटा रहे थे। राजा ने देखा कि चिड़िया अपने बच्चे के लिए और बच्चा अपनी मां के लिए व्याकुल है। यह देखकर राजा के हृदय में दया आ गई। राजा ने उन दोनों को तो छुड़वा दिया पर दिमाग में एक प्रश्न गूंजने लगा कि मांस का मूल्य क्या है। वही प्रश्न आकर राजा ने अपने दरबार में किया। राजा ने अपने सामंतों से पूछा, ये बताओ मांस सस्ता है या महंगा। राजा के सामंतों ने उत्तर दिया, महाराज मांस तो इस समय बहुत सस्ता है, इससे सस्ता और कुछ नहीं है। सामंतों की बात सुनकर राजा का बेटा कहने लगा, पिताजी मांस तो बहुत महंगा है। पुत्र के वचन सुनकर राजा कहने लगे, बेटे तुम अभी बालक हो, तुम्हारे पास वो अनुभव नहीं है जो सामंतों के पास है। मेरे विचार से सामंतों की ही बात ठीक है। राजकुमार कहने लगा, पिताजी यदि आप कुछ दिन राज दरबार में ना आए तो मैं इस बात को सिद्ध कर सकता हूं कि किसकी बात ठीक है। सज्जनों, राजकुमार की बात राजा ने मान ली। उसके बाद राजा ने दरबार में आना बंद कर दिया। दो दिन बीत गए, सबको ये खबर कर दी कि राजा बीमार हैं, इसलिए दरबार में नहीं आ पा रहे हैं। इधर तीसरे दिन राजकुमार एक सामंत के घर पहुंच गए और सामंत से बोले कि हे भाई, इस समय महाराज की तबीयत ज्यादा खराब है। राजवैद्य ने कहा है कि यदि किसी सूरवीर सामंत के हृदय का मांस मिल जाता तो महाराज का उपचार हो जाता। क्या आप अपने हृदय का 2 तोला मांस दे सकते हो। सज्जनों, राजकुमार बोला, इसके बदले में आप जो मूल्य लेना चाहें वो आपको दे दिया जाएगा। सज्जनों, यह सुनकर सामंत घबरा गया। राजकुमार को सामंत ने एक बड़ी सी रकम भेंट कर दी और कहा, हे राजकुमार आप मुझ पर दया करें, किसी और सामंत के पास चले जाइए। सज्जनों, इस तरह से राजकुमार एक एक करके सभी सामंतों के पास घूम आए पर किसी ने भी अपने शरीर से 2 तोला मांस राजकुमार को नहीं दिया। सभी सामंतों ने उसके बदले में पैसे तो दिए पर मांस किसी ने नहीं दिया। भेंट में प्राप्त हुआ सारा धन राजकुमार ने राजा के सम्मुख लाकर रख दिया और कहा, पिताजी किसी भी सामंत ने अपने हृदय से 2 तोला मांस आपके लिए नहीं दिया, बदले में यह धन तो दे दिया। इससे सिद्ध होता है कि मनमानी रकम देने पर भी 2 तोला मांस नहीं मिला, इसलिए मेरी बात सर्वथा सत्य है। मांस सस्ता नहीं है अपितु बहुत महंगा है। पुत्र के इस कार्य को देखकर राजा समझ चुके थे। दूसरे दिन महाराज राज दरबार में पधारे और सभी सामंतों से फिर वही प्रश्न किया, मांस सस्ता है या महंगा। सज्जनों, राजा के इस प्रश्न का किसी सामंत के पास जवाब नहीं था। सबने अपनी गर्दनें नीचे को झुका ली थी। राजकुमार कहने लगा, पिताजी अपना मांस संसार में दुर्लभ है, कोई 1,00,000 रुपए में भी अपने शरीर का मांस नहीं देना चाहता और दूसरे के शरीर का मांस बहुत थोड़े मूल्य में मिल जाता है। जिस प्रकार आपको अपना शरीर प्रिय है उसी तरह दूसरों को भी अपना शरीर प्रिय है, उनके लिए भी उनके शरीर का मांस उतना ही मूल्यवान है जितना कि आपका। हम लोग बेचारे असहाय प्राणियों को मारकर उनका मांस खाते हैं, क्या कभी आपने विचार किया है कि उसे आपका भोजन बनने के लिए कितनी पीड़ा हुई होगी। आपकी एक उंगली कट जाए तो आप बेचैन हो जाते हैं, पीड़ा के मारे सब कुछ भूल जाते हैं। जब आप किसी असहाय प्राणी को मारते हैं, किसी पशु या पक्षी को काटते हैं, तो वो कितनी असहाय पीड़ा को सहता होगा।
सिर्फ आपके एक मिनट की जिभ्या के स्वाद के लिए। क्या कभी आपने सोचा है कि आप उसे कितनी भयानक पीड़ा दे रहे हो? एक ऐसा जीव जो कुछ कह नहीं सकता, जो अपनी रक्षा तक नहीं कर सकता, जो आंखें मीच कर मनुष्य पर विश्वास करता है, जिसे आप अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए बल प्रयोग करके मार देते हो, वो ना समझ जीव जिसको मारकर मनुष्य की मर्दानगी सिद्ध नहीं होती, उसके मांस को खाकर तुम अपना मांस बढ़ा रहे हो जो किसी काम का नहीं है। जरा से रोगग्रस्त होने पर यह मांस दो दिन में सूख जाता है, जिसका कोई पता नहीं कब यह अग्नि की भेंट चढ़ जाए। शास्त्रों में वर्णन है, शास्त्रों में कहा जाता है कि जीव हिंसा करने वाले को कभी मुक्ति नहीं होती, उसे भी इसका हिसाब देना ही पड़ेगा। ऐसे नरपिशाच जो मनुष्य के शरीर में आकर पशुओं को मारकर खाते हैं, पक्षियों को मारकर खाते हैं, ऐसे पुरुषों के साथ रहने वाले भी पाप के भागी होते हैं। सज्जनों, ईश्वर समस्त जीवों का पिता है, वह प्रेममय वात्सल्यमय है, सभी प्राणी परमात्मा के बालक हैं, इसीलिए उसकी संतान को कष्ट देना तो उसके साथ बगावत करना है। भला पुत्र वत्सल पिता अपने पुत्र के कष्ट को कैसे क्षमा करेगा? भगवान के प्रिय बनने वालों अथवा प्रिय चाहने वालों को तन मन से उनकी संतानों को भी प्रसन्न करने की चेष्टा करनी चाहिए। अंत में एक बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। जिस तरह आपको आपकी संतान को कोई चोट पहुंचाता है तो आपको कितनी पीड़ा होती है, उसी तरह पशु पक्षियों को मारने पर भगवान को भी आप कष्ट पहुंचाते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप शेयर अवश्य करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।